दाता जी कहिए भगवान। देखिए सुग्रीव को गए काफी समय हो गया, अब तक लौट के नहीं आया। भ्राता जी हो सकता है भाई से युद्ध करने गया था, कहीं वार्तालाप से संधि ना हो गई हो। भाई है कहीं मिल ना लिए हो और मित्रता सुनी रह जाए। मैंने पहले कहा था तो आप देखते मत रह जाना, उसने तो मुझे मार ही डाला था। हे सुग्रीव जी कहिए प्रभु। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, मैं देख रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों ही भाई भाई हैं, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं। मिलने प्रभु। मैं बार बार धले पर तीर चढ़ाता रहा, मुझे ये संशय हो गया कि कहीं तुम्हारी एक जैसी सूरत थी, इसलिए मैंने तीर नहीं छोड़ा, कहीं ऐसा ना हो सुग्रीव को ही जाकर लग गया। इसलिए तुम जाओ और दोबारा युद्ध के लिए ललकारो। नहीं नहीं प्रभु, मैं कदापि नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरा जी बचाना असंभव है। लो मैं तुझे अपनी बात विजय माला देता हूँ। हनुमान जी कहिए प्रभु। आप जाए और पहचान के लिए कोई पुष्प माला का प्रबंध कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। बाली और सुग्रीव एक जैसे सूरत शकल के थे, इसलिए कहीं पर सुग्रीव को तीर न लग जाए। और अभी पहचान के लिए जयमाला वरमाला जयमाला डाल दी गले में के कहीं गलत न हो जाए। हे सुग्रीव कहिए बढ़ाओ और अपने भाई से युद्ध करो और विजय पाओ। ठीक है प्रभु, मैं सारे के लिए तैयार हूँ, देखते मत रह जाना, नहीं तो मेरा जीव तारा असंभव है। ऐसा नहीं होगा। सुग्रीव बार बार आता है और बार बार मार खाकर चला जाता है। देखिए महाराज वो आपके भाई हैं। महाराज कदापि नहीं, तुम जानती नहीं उसने कैसा नीच कार्य किया। नहीं महाराज मुझे नहीं पता। जब हम युद्ध करने गए थे तो हम राक्षस को मारते मारते गुफा के अंदर चले गए थे और उसने उस गुफा का मुंह बंद करके और खुद राज करने चलाया था। अरे ओ बाली, आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। ये फिर आ गया। नहीं महाराज मैं भी कहती हूँ आपके भाई हैं, आप युद्ध में मत जाइए। छोड़ दो तारा महाराज, मैं शांत करके ही आता हूँ। महाराज मैं अभी आपको मना कर दियो, आपके भाई हैं, आप युद्ध में मत जाइए। तारा क्या तुम नहीं जानती दुश्मन का घर पर मुझे वरदान है, युद्ध के छत्तर में बाली भगवान का भगवान है। अरे बार बार मुझे युद्ध कर। अरे दुष्ट तू फिर आ गया।
मैं जिंदा जाएगा तो मेरी तलवार के नीचे। अरे दुष्ट, तू खुद चला आता है मेरी छुरी की धार के नीचे। तू आया है जिसके भरोसे, तू आया है जिसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को। अरे दुष्ट, तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। देखता हूँ, आज देखता हूँ तुझे, तेरा अंत करता हूँ अभी। ठीक है। सुग्रीव पछताने लगे कि मैंने ही अपने अपनी अपने स्वार्थ के लिए भाई का वध करवा डाला। हे वीर बाली, देखिए ना सुग्रीव मेरा मित्र है और ना तुम मेरे शत्रु हो, किंतु जिस तरफ धर्म होता है उसी तरफ हम होते हैं, इसलिए तुमने जैसा कर्म किया वैसे ही तुमको फल मिल गया। पर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे बाली, पुत्र वधु अनन सुंदर नारी है सब सब कन्या सब सार। हे भगवान, हे वीर, तुमने पराई स्त्री का हरण किया है, उसको जबरदस्ती अपने साथ रखा है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। ठीक है भगवान, परंतु मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में ले लीजिए। अवश्य ही अंगद मेरे साथ रहेगा। पुत्र अंगद। कहिए पिताजी। भगवान, मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए। तथास्तु। सुग्रीव जी, अब ज्यादा विलाप करने से कोई फायदा नहीं है। बाली अपना स्थान ले चुके हैं। देवी रंगत उठो। है देवी तारा, तुम भी उठो और इनका अंतिम संस्कार करो। ठीक
हे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव को यहाँ का सिंहासन सौंप दिया जाए, यहाँ का राजा घोषित किया जाए। ठीक है भगवान। हे प्रभु, ये कार्य तो आपके हाथों ही होना चाहिए। नहीं सुग्रीव जी, तुम्हें तो पता है कि 14 वर्ष से पहले मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए भैया लक्ष्मण, तुम जाओ और इनका राज्याभिषेक करके आओ। कैसी आज्ञा भगवान। हे ब्राह्मण जी प्रणाम। खुश रहो भगवान। प्रणाम। खुश रहो भैया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में नहीं गए। हे हनुमान जी। अये प्रभु, जैसा कि प्रभु राम ने कहा है, आप सुग्रीव जी के राजतिलक की तैयारियां कीजिए और समस्त सामग्री यहां दरबार में मंगवाइए। जय श्री राम प्रभु। राज्य की परंपरा अनुसार सुग्रीव जी का राज्याभिषेक प्रारंभ कीजिए और प्रभु राम की ही आज्ञा से अंगद को यहाँ का युवराज नियुक्त कीजिए। ओम वासते वतं भावते देवतां गंगते राता वते सुम्बा प्रलोदमं पंपापुर के राजा हुए हैं और वीर अंगद यहाँ के युवराज हुए हैं। हाँ, वर्षा ऋतु आ गई है, प्रभु राम ने अपनी मित्रता भी निभा दी है। ठीक है प्रभु। हाँ, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, जैसा कि राजा श्री ने मुझे कहा था, वर्षा ऋतु की समाप्ति के तुरंत बाद आप समस्त सेना को लेकर माता की शुद्धि के लिए निकलेंगे। हे हनुमान जी। भैया प्रभु, यह प्रभु का संदेश आप भी स्मरण करते रहे। जैसी आज्ञा प्रभु। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है भगवान। भगवान प्रणाम। प्रणाम। देखिए भ्राता जी, वर्षा ऋतु समाप्त होते ही हर पत्ती में नई उमंग खिली है। हाँ भ्राता जी, आप सत्य कह रहे हैं और ये वर्षा ऋतु की समाप्ति विरह को भी और बढ़ा रही है। हाँ भैया, मुझे सीता के बड़ी याद आ रही है। सीते चुपी का
प्राता जी, मैंने देख लिया इस दुनिया में सभी लोग स्वार्थी होते हैं। देखिए उस सुग्रीव ने क्या मित्रता निभाई, अपना राज प्राप्त होते ही आपसे की गई वादे को भूल गया और मित्रता ही तोड़ डाली। उन्होंने कहा था वर्षा ऋतु के समाप्ति तक हम समस्त सेना सहित आपके चरणों में उपस्थित होंगे। हे प्रभु, उन्होंने मित्रता में धोखा किया है, आप मुझे अनुमति दें, मैं उसके पूरे राज्य को तहस नहस करके आता हूँ और बल सहित उसको आपके चरणों में लाता हूँ। नहीं भ्राता जी, देखिए राज का भोग ऐसा ही होता है, वो अपने राज भोग में खो गया है, इसलिए तुम आप जाओ और विनम्रता से उनको समझाओ, शायद वो भूल गए हैं। हे भ्राता जी, मैं आपसे किया हुआ सुग्रीव को उसका वादा जरूर याद दिलाऊंगा, यदि वह नहीं माना तो बल सहित लेके आऊंगा। भगवान प्रणाम। खुश रहो भैया।